बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी गुंजन सक्सेना, जिसने देश की पहली महिला एयरफोर्स प्लेन पायलट गुंजन सक्सेना की कहानी बताई गई कि महिलाओं को सेना में जाने के लिए कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा, ये नाम है सानिया मिर्जा का। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा वायुसेना में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही। एनडीए की परीक्षा पास कर पूरे देश में सानिया ने उन दो सीट में से एक पर सफलता हासिल की, जिसमें अब वे वायुसेना में फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। बता दें कि सानिया के पिता एक टीवी मैकेनिक हैं। वहीं जब हमने सानिया की इस पूरी जर्नी को लेकर बात की तो सुनिए क्या कुछ सानिया ने कैसे कैसे हासिल किया। दरअसल क्या था, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने अवनी चतुर्वेदी को यूट्यूब पे देखा था। वो एक फाइटर पायलट हैं, MiG-21 की पायलट हैं वो। तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई कि यार पहले क्या था, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है कि लड़कियाँ फ़ाइटर स्ट्रीम में नहीं आती, लड़के थे पहले से, लड़कियाँ नहीं आती थी। तो मुझे लगा कि लड़कियों में कैपेबिलिटी बराबर है, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो अच्छे से, अगर उनको गाइड किया जाए सही तरीके से तो वो भी कर सकती हैं। तो मुझे ये था कि हाँ, महिलाओं के लिए, गर्ल कम्युनिटी के लिए कुछ इंस्पायरिंग करना है, और अवनी चतुर्वेदी को देख के अगर मैं इंस्पायर हो सकती हूँ तो मुझे देख के काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे, तो ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन उस टाइम FCAT एंट्री हुआ करती थी, तो मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन BTEC करके जो है FCAT एंट्री से मैं फ्लाइंग के लिए अप्लाई करूँगी। लेकिन तभी मैं 12th पास की थी, BSc फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था, और ये बात है सितंबर 2021 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स की वैकेंसीज अलाउ कर दी थी 19 सीट्स के साथ। हालांकि सीटें अभी कम है, उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पेंडिंग में है, चल रही है, सीटें बढ़ेंगी। और तो 19 सीट्स जब मैंने देखा तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे इसमें से अपने लिए जगह बनानी है। और मैंने पर्टिकुलरली यही पूरा, मतलब पूरे डिसीजन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ यही सोचा था कि मुझे 2 सीट फ्लाइंग में ही अपनी जगह बनानी है। इतना ही नहीं, जब हमने सानिया के पिता शाहिद अली से बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे टीवी मैकेनिक का काम करते हुए उन्होंने सानिया के पायलट बनने के सपने को उड़ान दी। नहीं, हम बिल्कुल गौरवान्वित हैं अपनी बेटी को लेकर के। जिस हिसाब से एक टीवी मैकेनिक एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, और उसमें बच्चों को जब उनकी प्रतिस्पर्धा को देखा हमने और उनकी गुणवत्ता को देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ लगना चाहिए। फिर अपनी पूरी 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश किया, और बच्चों ने भी अपनी मेहनत किया और कामयाब हुए। जब इसने हाई स्कूल में, अपने स्कूल में जब टॉप किया, तो मुझे लगा कि हाँ, बच्चे में कुछ है, तो मैं उसके साथ लगा। और फिर जब देखा कि गुरु नानक स्कूल गर्ल्स कॉलेज में, जो रतनगंज में है, मिर्ज़ापुर में, जब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, तब इन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं जो हूँ NDA में जाना चाहती हूँ, वो भी एयरफोर्स में एज ए पायलट में। हमने कहा बेटा, ये तुमको जाने की कहाँ से सूझी। तो उन्होंने कहा कि जब एक लड़की होकर अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं बन सकती। तो मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है, अगर तुम ऐसा इस रास्ते चलोगी देश सेवा के लिए, तो हम भी पीछे नहीं हैं, हम आपका पूरा सहयोग देंगे। हम एक टीवी मैकेनिक हैं, LED टीवी मैकेनिक, मरम्मत का काम है। लेकिन यह है कि जीवन में कुछ करना है तो 12 घंटे लगे चाहे 16 घंटा लगे, मुझे काम तो करना होगा। फिलहाल सानिया ने उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम की जिन्हें लगता है कि महिलाएं फाइटर पायलट प्लेन नहीं उड़ा सकती हैं, या फिर UP बोर्ड जैसे स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करके बच्चे देश की बड़ी परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते। कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट कर जरूर बताएं। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, भारत तक।